एक डायरी है, ये डायरी की तरह फोल्ड होने वाला है फोन, और जो डायरी के कवर्स होते हैं एज अ डिस्प्ले इसमें काम कर रहे हैं, इवन दो इसका जो एज है वो भी डिस्प्ले की तरह काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्स पाई, जिसे लॉन्च किया है अभी हाल ही में चाइना में रोयो कंपनी ने। ये कंपनी यूएस बेस्ड कंपनी है, कैलिफोर्निया की कंपनी है। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके फीचर्स, और बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कितना वर्थफुल है अपने प्राइस के अनुसार। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। उससे जरूरी बात यह है कि सब्सक्राइब करने का उसके बगल में बेल आइकॉन आएगा, उससे दबा जरूर देना, क्योंकि नोटिफिकेशंस तभी पहुंचेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो ये फोल्डेबल फोन है उसके स्क्रीन का साइज 7.8 इंच का है, ध्यान रखिएगा 7.8 इंच बता रहा हूं, बाद में बताऊंगा। अब इसमें जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज किया गया है स्क्रीन के लिए, वो एमोलेड डिस्प्ले जो कि लेटेस्ट स्क्रीन के लिए टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया गया है। दो इसमें कैमरा दिया हुआ है, दो कैमरा है 16 और 20 मेगापिक्सल का। मेन कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, उसके अलावा 16 मेगापिक्सल का टेलीस्कोप कैमरा जो कि जूम करके हम दूर की चीजें कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा ये फोन फोल्ड हो जाता है 7.8 इंच से, ये 4 इंच का एक पोर्टेबल फोन हो जाता है, जिसे हम इसको ले करके बात कर सकते हैं। मतलब कॉल अटेंड करना है तो फोल्ड करके आराम से बात कर लो, अगर ऐसे गेम वेम खेलना है तो टैबलेट की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसके अंदर चलते हैं, जानते हैं इसके रैम रोम की कैपेसिटी क्या है। रैम इसका है 2 GB में आ रहा है, 6 GB और 8 GB वेरियंट का है, और रोम की कैपेसिटी है 128 GB और 256 GB, तीसरा है 512 GB का। इसके अलावा इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया है, काफी यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम वाटर का यूज किया गया है। जो माइक्रो प्रोसेसर है इसमें स्नैपड्रैगन 8150 लेटेस्ट है, काफी तगड़ा इसकी प्रोसेसिंग स्पीड है। चलिए जानते हैं इसकी चार्जिंग की, जो बैटरी का इसमें यूज किया गया है वो आपको 80% तक 1 घंटे में चार्ज कर दी, यानी कि काफी फास्ट चार्जिंग कैपेसिटी है। मेन बात करने वाली चीज है इसकी कीमत क्या है। हालांकि ये इंडियन मार्केट में भी लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन करेंसी में इसकी कीमत 97,000 रुपीज है। 97,000 रुपीज में मैं 7.8 इंच का स्क्रीन ले रहा हूं। चलिए बात करते हैं कीमत पे दोस्तों। नॉर्मली आजकल जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं 6.5 इंचेस में आ रहे हैं, 6.5 इंचेस की उनका स्क्रीन आ रहा है, लेकिन इस का जो स्क्रीन है केवल 1.2 इंच ही ज्यादा है, लगभग 1.5 इंच ज्यादा स्क्रीन के लिए मैं कितना गुना प्राइस पे कर रहा हूं। हालांकि सारे फीचर्स इसमें सेम ही, रैम रोम जो भी है वो नॉर्मल स्मार्टफोन में भी आ रहा है, स्नैपड्रैगन का जो माइक्रो प्रोसेसर वो भी सारे स्मार्टफोन में आ रहा है, बस इसके स्क्रीन की साइज और दूसरा ये है कि फोल्डेबल है। तो भाइयों फोल्डेबल की जरूरत उतनी क्या है, जब 1 इंच ज्यादा 1.5 इंच ज्यादा ही है, तो मैं एक और डेढ़ एक 1.5 इंच ज्यादा 1.5 इंच कम भी काम चला लूंगा मैं, है इतना जरूरी क्या है कि 1.5 इंच के लिए मैं उसे फोल्ड करके 4 इंच का मात्र बना लूं। हालांकि 4 इंच वाले तो और सस्ते फोन आ रहे हैं ना, तो उसे 4 इंच का ही बनाना है तो मुझे उतना कॉस्ट क्यों पे करना चाहिए। लेकिन लोगों के शौक होते हैं, काफी शौकीन लोग हैं, अभी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुआ है, देखते हैं इसका रुझान कैसा रहता है इंडियंस कंज्यूमर द्वारा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।